नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई वीजा से रिलेटेड। जी हाँ भाई, दुबई वीजा निकाल रही है, वर्क परमिट को छोड़ के काफी सारी कंपनी वीजा दे रही है। और इसका सीधा सीधा रीजन यही कि भाई दुबई ये चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे पास लोग आए, लेकिन अच्छे वाले लोग आए। ये नहीं है भाई, मजदूर आदमी की कहीं कोई वैल्यू नहीं होती, इसको यहाँ दिमाग में बिठा के रखें। कंपनियों में आप अगर वैल्यू होती ना, तो 1 साल से वर्क परमिट वीजा बंद नहीं होते। विजिट में जा रहे हैं वो कंपनी, वो दुबई सरकार के ऊपर से जा रहे हैं, उनकी मजबूरी वो आपको रोक नहीं सकते। जी हाँ, इंडियन वर्कर को खास तौर से बता दें, वरना तो वो उनको भी रोक देते। ब्लू कॉलर की वर्करों की कोई वैल्यू नहीं होती, आप सबको बताइए। इसका एग्जाम्पल हम लाइव में दिखाने की कोशिश करूंगा। यूएई ने अभी 1 महीने में 2 वीजा स्टार्ट किए हैं। 10 साल का गोल्डन वीजा आपको पता है स्टार्ट कर दिया। अभी पहले सुनने में आया था कि भाई 5 साल का वीजा कंपनी दुबई सरकार स्टार्ट करेगी। जी हाँ, लेकिन उसको तो नहीं किया, उसकी जगह 6 मंथ का वीजा स्टार्ट कर दिया। अब 6 मंथ का वीजा आपको पता है वर्कर तो लेके नहीं, क्योंकि यहाँ विजिट टू वर्क तो वहां तो नहीं है ना कि भाई यहाँ से विजिट में जाओ वहां काम कर लो, ऐसा तो कोई फंडा है नहीं। तो इसके लिए 6 महीने का वीजा कौन लोग ले सकते हैं? 10 कैटेगरी सरकार ने डिसाइड की है कि भाई ये लोग वीजा ले सकते हैं। दुबई का 15 दिन का वीजा, दुबई का 1 महीने का वीजा, दुबई का 3 महीने का वीजा, दुबई का 6 महीने का वीजा, दुबई का 5 साल का वीजा, दुबई का 10 साल का वीजा। इतनी कैटेगरी के वीजा हैं। 5 साल वाला वीजा अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आएगा तो हम उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। बाकी बताना क्या है भाई, 6 महीने वाले वीजे में आप लोगों को आम आदमी का वीजा नहीं है तो फिर वो तो मिलने का सवाल नहीं होता। 10 कैटेगरी है इसमें, ये 10 कैटेगरी में से अगर कोई आप हैं तो ये वीजा आप आसानी से ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे ये लोग वीजा लेंगे, आगे वीजा अप्लाई कैसे करेंगे, इस वीजा की फीस कितनी होगी, वो भी हम डिटेल से इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बेल आइकन ऑन करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सरकार ने हालांकि इस वीजा को अप्लाई किए 10 से 15 दिन हो चुके हैं, अपना वीडियो थोड़ा लेट चल रहा है, थोड़ा टाइम कम होने की वजह से। बाकी मैं बता दूं 10 कैटेगरी के वो लोग कौन हैं जिनको ये वीजा मिलेगा। तो सबसे पहले बता दूं, निवेशक, पैसा बैग भर के लेके जाओ दुबई में, प्रॉपर्टी खरीदो, उनको ये वीजा मिल जाएगा। 6 महीने का वीजा है ये, इसमें 3 महीने तक आप रह सकते हैं, 3 महीने के बाद 3 ही महीने के लिए आप एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि रेगुलर 6 महीने रहेंगे, 3 महीने रहने के बाद एक्सटेंड कराओगे उसका चार्ज अलग से लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। मोटा बिजनेसमैन है वो वहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनके लिए वीजा मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति वो खरीदे, वो नो टेंशन। व्यवसाय बिजनेसमैन आदमी है, कोई भी एक्सवाइजेड जो बिजनेस करना चाहता है, मिलियंस में दराम लगाना चाहता है, वो उनको वीजा मिल जाएगा। जी हाँ, डॉक्टर्स को वीजा मिल सकता है, वैज्ञानिकों को वीजा मिल सकता है, आविष्कारक जो होते हैं उनको ये वीजा मिल सकता है, पीएचडी वाले, पीएचडी डिग्री धारक बहुत सारे अलग अलग होते हैं, उनको ये वीजा मिल सकता है। एथलीट, दौड़ने वाले होते हैं, जो ये अच्छा प्रोफेशन होता है, उनको ये वीजा मिल सकता है। आगे बात करें तो विशेषज्ञ होते हैं कुछ क्षेत्रों में, जैसे सांस्कृतिक होते हैं ना, सांस्कृतिक माहौल वाले, या फिर कला, संस्कृति और कला वाले लोग हैं, उनको ये वीजा मिल सकता है। प्राथमिकता बता दूं वैज्ञानिक क्षेत्रों में विशेषकर, जी हाँ, उनको ये वीजा मिल सकता है। आगे बात करें तो भाई इंजीनियरिंग क्षेत्र में वैज्ञानिक, महामारी विज्ञान या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग, जी हाँ इलेक्ट्रिकल, इस तरह के जो भी जितने वाले हैं ये डेटा आईटी आईआईटी वगैरह, इनको ये वीजा मिल सकता है। जी हाँ, आगे बात करें 9वें नंबर पे, अगर आप हाई स्कूल पढ़ना चाहते हैं, विश्वविद्यालय में दुबई में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उनको ये वीजा मिल सकता है। जहां स्टूडेंट लाइफ आप मान सकते हैं, उनको ये वीजा मिल सकता है। ये तो बात हो गई, इनको वीजा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई वीजा प्रोसेसिंग क्या है। जी हाँ, प्रोसेसिंग से पहले बता दूं इस वीजा का चार्ज क्या लगेगा। जी हाँ भाई, 1150 दराम, जी हाँ 1150 दराम का आप समझ लो 23,000 रूपए, 23 से 24-25 हजार रूपए तक आपका इसमें खर्चा लग सकता है 6 महीने के वीजा का। ये सरकार के द्वारा निर्धारित की गई फीस है। अब आप वीजा अप्लाई कैसे करेंगे, ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये गोविट यूएई की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके पूरी जानकारी आपको जो फॉर्म में भरी मांगी जाती है वो आपको पूरी अपडेट करनी होगी, फिर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो डॉक्यूमेंट उसमें मांगे जाते हैं। गलती होने पर आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, 1 महीने में आप दोबारा, 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा, 1 महीने में आप दोबारा, कोई डॉक्यूमेंट कम है, सही नहीं है, क्योंकि ये जो डिटेल्स मांगी ऊपर मैंने बताई, इनमें से आपके डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने पड़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट आप दोबारा भर सकते हैं, 1 महीने का टाइम मिलेगा। जी हाँ, महीने में आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, 3 बार में भी अगर आपका वीजा रद्द हो गया तो आपकी फीस गई, आपको दोबारा नए सिरे से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, ये आपको वीजा की मैंने प्रोसेस बता दी अप्लाई करने की, वेबसाइट के माध्यम से आप जाके वीजा अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी उम्मीद ये जताई जा रही थी भी आम आदमी को ये वीजा मिल सकता है, लेकिन आम आदमी का वीजा नहीं है, सिर्फ ये 10 कैटेगरी है उन्हीं को ये वीजा मिलेगा। आम आदमी का तो ये वीजा 1 महीने का, 3 मंथ का है, जाओ कंपनियों में वहां अप्लाईमेंट करवाओ, बस यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं। इसमें 6 महीने में आपसे रोज जाओ वो कोई चक्कर नहीं है, कभी भी आ जा सकते हैं, मल्टीपल वीजा है ये। बस ये आपको डिटेल देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।